रहमत अल्लाह वबरकातुहू। 11:23 हो रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये जो रोटियां नहीं बच जाती, बच्चे रात का खाना वाना खाते, कोई भी हो, मैंने इसको पानी में भिगोई हुई है सवाब की नियत से। बाकी यहाँ पे ये बन रहा है, एक बच्चा जो है ये, बाकी मैं अपने लिए बना रहा हूँ भाई, चटनी वटनी डाल के जो भी है ना। बच्चे तो बच्चे हैं ना यार, तो हमेशा सवाब की नियत रखें, हमेशा सवाब की नियत रखें। ज़्यादा ज़्यादा सवाब कमाने के लिए क्या कर सकते हैं, बगैर नियत के मैं ये भूसे टुकड़े क्यों खाऊं भाई। अच्छी अच्छी नियत करें कि कचरे में फेंक जाएं या हम कहीं डाल दें, खुद क्यों ना खा लें, है ना। मेरा मम्मी टुकड़े डाल दिए और ये कसडिया होता है, बड़ा ज़बरदस्त बनाया है मैंने ये। ये इसमें चीज़ वगैरह सब डली हुई है, ये देख रहे हैं। तो वाज भाई जो है ना, ये बच्चे यही तो कर रहे हैं यार, असल नहीं खा रहे हैं ये लोग, सब नकल खा रहे हैं। क्या होगा इनका अगर हमने इसी तरह से छोड़ दिया कि दीन का काम है यार, अल्लाह ले लेगा। बेशक दीन का काम है, अल्लाह ले लेगा भाई, हम भी तो कुछ एफर्ट करें ना। तो हम यही आपको बताते रहते हैं भाई, कुछ ना कुछ स्टॉकिंग भी करते रहो, पढ़ते रहो, अपनी ज़बान को ना दुरूद शरीफ से तर रखो। हाय हाय हाय, बड़ा ज़बरदस्त है, होता है ये, बड़ा मज़ेदार स्पाइसी खाता है। क्या बताऊँ, इसकी चिकन गिर गई यार, वापस डाल दो। कि क्या है मदीना है, इसके अंदर मैंने प्याज भी चॉप करके डाली है। क्या करें यार, कॉल फ़ोन कॉल करूँ उसको कि आके खाना ले जाओ। बड़े वाले नहीं है साहबजादे, वो देखो यार, माँ ने आलू कितना ज़बरदस्त कीमा बना हुआ है, कीमा शोरबे वाला, आलू भी डले मैं, शिमला मिर्च भी डले, मैं तो टुकड़े डालूंगा। मुँह में पानी आ रहा, चाय भी रेडी हो गई। जी मैंने प्याज भी डाल दी है ना, इसके अंदर चॉप करी हुई ना, फ्राई पैन में हरी मिर्च तो है ही ऑलरेडी कीमे के अंदर, जो हरी मिर्च होती है। तो भारत ये भी गर्म हो रहा है, चाय भी निकालते हैं। और 11:30 हो गए रात के, अम्मी को कॉल भी करते हैं इंशाल्लाह ताला। कौन कौन अपनी अम्मी को कॉल करता है, कौन कौन अपनी अम्मी से वीडियो कॉल पे बात करता है, हमें कमेंट करें। और कौन कौन इस तरह से खाता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये देख रहे हैं कैसा मज़ा आ रहा है, ये देखें। और इतना तो ताजी रोटी में भी नहीं आएगा ना। ओए होए 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 होए, सल्लू वाले हबीब आ शबे जुम्मा है, अपना ख्याल रखिएगा। इसको ताज़ा पराठा चाहिए, ये भी खाती है वहाँ का कैफे प्याला का चाय पराठा। लो बेटा, चाय डाल दी, चीनी मिला लें। इसकी वजह से ना मेरे को नमक पारे भी खाने पड़ेंगे, पता है, नमक पारे भी शौक से खाती है। ये तीनों हैं, तीनों यहाँ आए हैं, नजर आ रहे हैं वो दोनों भी, वो दोनों शहजादे भी नजर आ रहे हैं, वो बैठे हैं। हाय 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 हाय, कौन कौन इस तरह से टुकड़े, नियत करा करें अच्छी अच्छी की यार, इस तरह से खाऊंगा, खाना तो खाना ही है ना, क्यों ना भूजे टुकड़े खाओ। वालिद साहब की यही तो खुश हो गई होगी यार, क्योंकि सारा सवाब तो वालिद साहब को जाएगा ना, है ना। हमेशा याद रखें, बर्तनों को ना हाथ के हाथ भिगोते चले जाएं, इससे पता क्या होगा, घरवाली जो है ना उसको आसानी रहेगी। क्या करना है, चीनी मिला दी, हमेशा वाइटल भी हैं, इससे आप चुस्त भी रहेंगे, तमन्ना भी रहेंगे, है ना। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, हाय हाय हाय, बिस्मिल्लाह। मौली सुल्ताना, यू लिंक स्पाइसी, यू लव इट, यू नीड स्पाइसी राइट। सुल्ताना है ये, तुम्हारे बच्चों को भी देना है, उनको भी गिरगा दिया। इन लोगों को वो चाहिए, क्या कहते हैं, चाय पराठा कैफे प्याला था ना।
देखें खाना शुरू हो गया, अभी वो ऊपर बैठ गया, सुभान अल्लाह ये गया आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र करें यार कि अल्लाह ने लाखों से अच्छा बनाया है ना। क्या बताऊं के क्या मदीना है, क्या बताऊं के क्या मदीना है मेरा दिल। हमारे ना आज हमें, मैं जलाल में कह लें या वजद में कह लें, मेरी गाड़ी में, मैं भी रियाजुल जन्ना में हमारा नाम लिया गया, रियाजुल जन्ना में हमारे लिए, तो हमारे इस्लाम की रोशनी के तमाम अहबाब के लिए रियाजुल जन्ना वो जगह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रियाजुल जन्ना यानी कि सरकार के मिंबर से लेके और वो बकीए पाक का जो हिस्सा है ये जन्नत की हिस्सा है, और ख़ास तौर पे एक हिस्सा जिसमें आजकल कोविड की वजह से टाइम लेना पड़ता है कि इतने बजे गुजर सकते हैं। अभी अब्दुल्ला भाई के जो है 12 घंटे बाकी थे, लेकिन जब वो गए इतनी यानी कि दुआएं थी साबिर भाई की और बाप की मेरी भी, तो नजदी ने देखा, नजदी बोल रहा हूँ, शुरते ने देखा और कहने के जाएं आप तो जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ये वालिद है, इसलिए जो है ना ये वालिद की भी याद है, तो आज ये कुकड़े खा रहे हैं। आइए कौन कौन हमारे साथ, नमक पाले डाल के चाय पिएगा और कौन कौन जो है खाना खाएगा। खाना खाने की अच्छी अच्छी नियतें कर लें कि चुस्ती ताकत हासिल करने के लिए, और वाज भाई की चाय ये रखी हुई है, क्या करें आवाज़ दे देते हैं, ढक दो उसको चाय को। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, सुभान अल्लाह। चमचा भी लिया है, ओहो ये देख रहे हैं, नमक पारी भी ले लें। चले बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, अपने अपने घर में खाना वाना खाएं यार, और दुरूद शरीफ कसरत पर पढ़ें। आज शब जुम्मा है, कल जुम्मा है, और पता नहीं कब हमारा ऐलान होगा नमाज जनाजा का, है होगा ज़रूर, इंतज़ार कीजिए, वक्त बहुत थोड़ा है, वो वक्त आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा दिल। सभी भाई कुछ नज़र नहीं आ रहा था, यकीन माने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, मैंने इसलिए ऑडियो जो है ना ब्रेक करी, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूं। और बहरहाल हम लोग अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं, जो वहाँ से हमने रोकी थी, देख लो गुस्सा नजर ही नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ सभी भाई कुछ नज़र नहीं आ रहा, भाई सामने दीवार थी, रोड ख़त्म हो गई थी, अल्लाह माफ़ करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यार मैं स्टेटस को जो है ना बोल गया कि दीन निकल जाएगा, मोहम्मद रह जाएगा, वो भाई दीन भी निकल जाएगा, मोहम्मद भी निकल जाएगा, मो रह जाएगा, मो मो। आप बहुत सी जगह देखिए मो लिखा होगा नेम बेच पर, तो आप पूछिएगा मो क्यों है, कह रहा माय नेम इज मोहम्मद, जो भी नाम होगा एक्स वाई जेड। असल में हमारे बच्चे जो है ना ये लोग भी मोहम्मद हैं, लेकिन इनके पास मुस्लिम ड्रीमर पहुंची तो इन्होंने मो कहलवानी नहीं दिया, हामिद रजा किया उसको भी मो, तो उसने बोला नो आई एम मोहम्मद, तो मोहम्मद अली। और इसी तरह अहमद मूसा, इन लोगों को भी मो मो करने की कोशिश करी इन्होंने कि हम मो बोले, मो लिख देते हैं। अहमद मूसा ने नो, दिस इज द नेम ऑफ प्रॉफिट, माई पेरेंट्स डू दिस माई नेम, यू रिस्पेक्ट फॉर दिस नेम, दिस इज द प्रॉफिट नेम। तो जैसे स्टॉप साइन होता है ना, तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा भाई, क्योंकि उनकी तरबियत मुस्लिम ड्रीमर के पास हो रही है ना यार, दीन है ना, दीन पे काम हो रहा है, तो वो स्टॉप साइन होता है ना, तो अहमद का नाम, मूसा का नाम स्टॉप साइन पे लिखा होता है मोहम्मद के, ये इसकी प्लेस है, इस जगह पे ये है, समझो भाई, बाकी सबका नाम जो है ना जमीन पे लिखा हुआ होता है। तो मो कर दिया इन लोगों ने मोहम्मद को ना, सॉरी मैंने बोला कि दीन निकल जाएगा मोहम्मद रह जाएगा, वो भाई वो उसके नाखून लो, सिर्फ मोहम्मद रह जाएगा, सो मेनी मो आई सो हियर, बाय। अहमद भाई को लेने निकला हुआ हूँ, लेट हो गया, 12:30 बजे स्कूल छूट गया है, मामा गाड़ी भी ला रही है, मैंने रिवर्स मारनी है गाड़ी, हाँ किसी को मार दूँ क्या यार,
लब्बैक या रसूल अल्लाह। सियाना को अभी बहुत काम है यार, चले यार अल्लाह का शुक्र है यार। क्या टाइम हो गया, टाइम बताएगा जरा, स्टेटस देख रहे हैं। हाँ भाई अनु भाई देख रहा गेट चल रहा क्यों खुला हुआ साबिर भाई। आमिर की गाड़ी बनवाई है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से मैं उठा के घर छोड़ूं, बारिश भी हो रही है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अदद खतरात अल-अमतार। आप तमाम अहबाब मेरे बेटे मोहम्मद नैशफ अली उर्फ हामिद रज़ा के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए। बहुत अच्छा बच्चा है और मैं बहरहाल यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे कैश में डल रहा है और $50 थे मेरे पास कैश भाई, चलवा रहा हूँ ये मैं, कैश में थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। हामिद रज़ा की हिफाजत फरमाए, पाक परवरदिगार हासिदों की नज़र से बचाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हामिद रज़ा की गाड़ी के अंदर जो है ना, बच्चे के मेरे इतने पैसे भी लग गए और गैस भी नहीं था यकीन मानो, तो मैं गैस डलवा रहा हूँ कैश में। ये चलो गैस का साइन आ रहा है, अपनी गाड़ी खुद पिकअप करनी चाहिए थी ना, मुझसे तो चल भी नहीं रही, इतना बड़ा ये जहाज चलाना भी मुश्किल है। सही वाट लगाई हुई इसने गाड़ी की, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। कर यार बजाए जा रहा है यार, अल्लाह रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानु इबादु मोहम्मदिन साबिर भाई कबूल फरमाइए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बारिश का दुरूद पड़ा गया, अल्लाह ताला जो है इसको कबूल मंजूर फरमाए। बाकी अब्दुल्ला भाई आज मदीने के लिए रवाना हो रहे हैं, अल्लाह ताला मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाए और वहाँ से वो इंशाअल्लाह वॉकिंग भी करेंगे बकरिया पाक से लेकर कुबा मस्जिद कुबा तक, इंशाल्लाह ताला लाइव हम लोग जो दिखाएंगे आपको जल की अवल्ला आलम भी सवाब। बाकी जो भी वहाँ पे साले सवाब हो रहा है, लंगर हो रहा है और अल्लाह ताला कबूल फरमाया है, सब दुआ फरमाए बड़े मामू छोटे मामू के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाइटें लगा दी हैं, बड़े मामू जो हैं वो सेटियाब हो गए, बड़े मामू घर आ गए, ये देख रहे हैं, तो हम लोगों ने लाइटें लगवा दी हैं तमाम इलाकों में कि हमारे बड़े मामू जो हैं वो घर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज उनका वीडियो क्लिप देखा, बड़ा अच्छा लगा बड़े मामू का, छोटे मामू की भी आवाज़ सुनी यार, क्या बात है बड़े मामू छोटे मामू की यार, ये हीरो हैं ये हमारे, अल्लाह ताला इनका साया तादेर हम लोग के सरों पे कायम दायम रखे और नजरे वश से बचाए यार। हमने ऐसे मामू नहीं देखे यार, तुम्हारे पास हैं ऐसे मामू, बड़े मामू छोटे मामू, हम लोग को कितने सारे मामू हैं, ना बड़े ना छोटे, सफदर मामू जफर मामू, हमारे हैं दो मामू, बड़े मामू छोटे मामू। चले अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। साबिर भाई अफ्तार बना जात में बड़े मामू के लिए दुआ करें, हमारे आरफिन मामू के लिए अल्लाह ताला, देखो आरफिन आशकीन दुरूद ताज में दोनों मामुओं का नाम भी आया है, ठीक है, तो दादा यासीन अल्लाहू अकबर, तो दुआ करें नाना यासीन सॉरी दुआओं में याद रखें यार। अल्लाह ताला मामू लोगों की यार बड़ी यादें वाबस्ता हैं, एक पूरा व्लॉग बनेगा बड़े मामू छोटे मामू पे, क्या बात है यार, क्या मर्दाना मतलब जो है ना अल्लाह ताला ने फिगर दी थी, यानी कि जो पूरे मलीर के ऊपर एक रोब दबदबा था भाई, बड़े मामू छोटे मामू
जिस जमाने में लोग छोटी छोटी मोटरसाइकिल चलाते थे तो हमारे छोटे मामू जो है ना उन पे कोई बाइक दस्ती नहीं थी, तो वो चलाते थे 125 थी, पता नहीं क्या थी, 170 सबसे मोटी गाड़ी थी वो, और डबल थी, मतलब डबल सिलेंडर वाली। जब हम एबन मूसा की उम्र के थे ना, यहाँ बारिश भी हो रही है, चमार जो है ना यहाँ खड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप, 5 बजे से पहले पहले बैंक पहुँचना है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो भाई, मामू घर आ गए, बकरे काटो, सलानी वेलफेयर वालों को भेजो भाई, ये देखें मैं बैंक आया हूँ ताकि कुछ थोड़ा खराब निकालो, दुआओं में याद रखना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साबिर भाई दुआ करें हमारे बड़े मामू के लिए, तमाम अहबाब, अब्दुल्ला भाई मदीने जा रहे हैं और बाकी तमाम अहबाब जो मक्का में मदीने में, सब बड़े मामू और छोटे मामू की सेहत याबी और ईमान सलामती वाली ज़िंदगी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला जो है बस सबको, सबके बुजुर्गों का साया तादेर सलामत रखे हैं, अल्लाह ताला हासिदों की नज़र से बचाए, जज़ाकअल्लाह।